तो स्वागत है आपका अपने रवि जन यूट्यूब चैनल में जैसे कि आप सभी को पता है मैंने अभी पिछली वीडियो डाली थी जिसमें दो ही क्वेश्चन बताए थे लेकिन इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और आगे क्या है आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आएंगे हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं अपडेट करता रहूँगा आपके इस यूट्यूब चैनल पर और सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपडेट करेंगे हम तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो जैसे कि पहले जो दो क्वेश्चन है ये मैंने सुबह ही बता दिए थे सुबह वीडियो डाली थी एक एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की समझने का प्रयास करना चाहिए में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के लिए सम संबंध है तो शिक्षा मनोविज्ञान का मैंने ये इसमें ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है वो शिक्षा मनोविज्ञान है क्योंकि जो क्लास में टीचर होता है वही हमारी अक्षमताओं को जान सकता है और वो उसी को पता चल जाता है कि भाई कौन कैसा पढ़ता है और कौन कितनी देर में कैप्चर कर पाता है तो मतलब वो बच्चे के अक्षमताओं को जान समझने का प्रयास कर लेता है पूरा अच्छे से समझ जाता है ठीक है तो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा से समझा जा जाता है उसको बच्चों की सीखने की प्रक्रिया माता पिता को कौन सी भूमिका निभानी चाहिए इसका जो आंसर है वो अग्रोन्मुखी है तो बच्चों को सीखने के लिए प्रक्रिया मतलब अग्रोन्मुखी तरीके से जो भूमिका निभानी चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है अभी नया क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ आपको बच्चे के बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवधारणों की पहचान की गई ये आसान सा क्वेश्चन है जो कि जीन प्याजे ने बच्चे की अवस्थाओं को विस्तर से वितरण किया था विस्तार से विस्त, वितरण किया था जिसका आप सभी को पता भी है तो ये क्वेश्चन दो तीन तरह से बन सकता है लेकिन प्याजे द्वारा ये बौद्धिक विकास की जो अवस्थाएँ हैं वो जो पहचान की गई थी जीन प्याजे के द्वारा ठीक है इसका पूरा नाम जीन प्याजे है और जो वृद्धावस्था बाल्यावस्था शिशु अवस्था तो वो सब अवस्थाएं हैं उसके बाद जो तीसरा है मानव व्यक्तित्व परिणाम क्या मानव व्यक्तित्व परिणाम का जो ऑप्शन है केवल अनुवांशिकता उसके बाद पालन पोषण और शिक्षा उसके बाद अनुवांशिकता और वातावरण की अनंत क्रिया उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है केवल वातावरण तो हम इसमें चूज करेंगे हम ये अनुवांशिकता और वातावरण की अनंत क्रिया जो होते थी सॉरी ये जो ऑप्शन जो मैंने अभी इसमें आंसर लिखा है ये गलत ऑप्शन है इसका ये मतलब आप चूज करिएगा इसका जो राइट है ये गलती से लिखा गया अनुवांशिकता और वातावरण की अनंत क्रिया है ये अनुवांशिकता से क्या है कि हमें जो विकसित होने की अक्षमताएँ प्रदान होती है और जो अक्षमताओं को विकसित होने का जो भी वो मिलता है वो हमें वातावरण से ही मिलता है तो अनुवांशिकता हमें विकसित होने की अक्षमताएँ प्रदान करता है और अक्षमताओं को विकसित करने के लिए वातावरण की जरूरत पड़ती है तो ये जो थर्ड ऑप्शन है इसका ये राइट ऑप्शन है उसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं इसका ऑप्शन ये रहेगा आपका प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं मतलब वो अपने निर्णय लेने में आत्मनिर्भर होते हैं मतलब वो किसी के ऊपर जैसे मान ले आपसे कोई सवाल पूछा जाता क्लास में तो ये डाउट नहीं रखते कि हाँ भाई ये इसका जवाब गलत दिया मैंने ये नहीं दिया ये गलत बोला मैंने इसका आंसर तो वो आत्मनिर्भर रहेंगे वह बिना झिझ के बिना कोई डाउट के वो अपने जो टीचर ने सवाल का जवाब पूछा वो बिना झिझ के ही दे देंगे तो इसमें आत्मनिर्भर होकर अपना क्वेश्चन का आंसर देते हैं सिक्स क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा ध्यान रखना क्योंकि ये ना लगभग एग्जामों में आते हैं और वही क्वेश्चन हम छाट के दे रहे हैं आपको दो हज़ार ग्यारह से लेके इक्कीस तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर आपके आए हैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा बार आपके क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं को हम चूज कर रहे हैं और जो एन सी आर टी की बुक है एस सी आर टी की बुक है उन सब में से क्वेश्चन को निकाल के आप लोगों को बता रहे हैं नर्सरी कक्षा से सिक्स क्वेश्चन है नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है इसमें आप बताइए क्या है मेरा परिवार मेरा प्रिय मित्र मेरा विद्यालय मेरा पड़ोस इसमें देखने से सीधा सभी यही सोचेंगे कि मेरा विद्यालय ठीक है लेकिन इसका आंसर ये ठीक नहीं है इसका आंसर ये है कि मेरा परिवार जो मेरा परिवार है इससे ही अपने हमको नर्सरी से सीखने की शुरुआत विषय वस्तु है जो सबसे अच्छी रहती है क्योंकि घर से ही हम माँ से ही सीखते हैं भाई ए बी सी डी पढ़नी है ए बी सी डी वन टू थ्री जो भी है घर से सीखते हैं पहले सबसे पहले वही शुरुआत अच्छी भी रहती है ठीक है उसके बाद क्या है डैश के कारण प्रतिभाशाली होती है मनोसामाजिक कारकों के कारण अनुवांशिक रचना के कारण वातावरणीय अभिप्रेरण के हाथ दो और तीन का सोजन मतलब इसका जो अंशर रहेगा वो अनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा ये अभी वातावरणीय अभिप्रेरणा वाला अभी थोड़ी देर पहले भी आया था वातावरणीय और अनुवांशिकता तो ये सब आपको क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे ही पूछे जा सकते हैं तो इसका जो सेकंड और थर्ड मतलब फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ जो अनसवर वो ठीक रहेगा बोथ है दोनों सेकंड और थर्ड उसके बाद थे फै चे दवनिया ये देखो ये क्वेश्चन ना पता कन्फ्यूज कर देता बच्चे को ऐसे इस तरह क्वेश्चन थे फै चे दवनिया खै तो इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आपको ना रट्टे मारने पड़ेंगे क्योंकि पता क्या याद नहीं रहते इस तरह क्वेश्चन तो इसका जो आंसर है वो स्वनीम रहेगा स्वनिम दवनिया जो थे फे च वो उसकी आंसर राइट ऑप्शन है इसका स्वनिम ठीक है तो इस तरह क्वेश्चन आपको रट्टा मार के जरूर जाना ताकि आप एक बार अच्छे से मान ले किसी भी प्रकार का इनका कोई वो नहीं होता कोई स्वतंत्र रूप नहीं होता थे तो इसलिए स्वनिम इसका आंसर है उसके बाद जो है आठवां नौवां क्वेश्चन क्या अधिगम के निम्न प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे बोलता है योग्यता सुधारियता अटल है देखो मैं अगर होता बिना पढ़े जाता तो इसका मैं ये ए, क्या बोलते हैं क्या आप क्या लिखते हैं आप बताओ पहले तो ठीक है मैं तो यार देखो मैं यही लिखता योग्य सुधारी है तो यही क्या है योग्यता सुधारी है तो योग्यता क्या हमें बचपन से लेके जैसे ही जन्म से से लेके हमें शुरू उधर ही सीखना शुरू कर देते हैं हम दान से लेके जन्म तक हम सीखना शुरू कर देते हैं उधर से ही और लास्ट तक जब तक मृत्यु तो नहीं होती तब तक हम सीखते रहते हैं ठीक है दसवां क्वेश्चन आपका क्या है सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है सक्रियता अस्त करता कम प्रयाग्न क्या बोलते हैं कम प्रज्ञानता ठीक है बौद्धगाम था और अब सारी चिंतन ठीक है इसमें क्या है देखो सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है देखो कोई अब मान ले किसी चीज हम प्रॉब्लम में फंस जाए ठीक है किसी प्रॉब्लम में फंस जाए तो हमारे दिमाग में पता है तीन चार आइडिए तुरंत आपके दिमाग में आएंगे ठीक है और वो क्या चिंतन करने से आएंगे और उसी प्रकार के चिंतन को हम आपसारी चिंतन कहते हैं ठीक है उसी का जो सृजनात्मक की पहचान है वही अबसारी चिंतन है और इस तरह की प्रॉब्लम प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो हमारे दिमाग में चिंतन चलता रहता है उसे आप सारी चिंतन कहा जाता तो इस ऑप्शन का इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप सारी चिंतन रहेगा ठीक है उम्मीद करता हूँ आपको ये दस क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए वो आपको समझ में आ गए आगे भी हम आपके ये कम से कम ढाई क्वेश्चन का सेट है वो धीरे धीरे बताऊँगा क्योंकि देखो थोड़ा थोड़ा पढ़ने में बिल्कुल समझ में भी आता हो और अच्छे से ठीक भी रहता है ठीक है आप चाहे इनको रट्टा मारिए चाहे याद करिए कैसे भी करिए क्वेश्चन याद करके जरूर जाइएगा इनको बोलिएगा मत और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है आगे भी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके सबके कोशिश करेंगे हम आपको इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करें क्योंकि हमने क्लास लगाने की कोशिश की थी उसमें क्या टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा हो रहा है तो हम सोच रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ नए टॉपिक के साथ नए सब्जेक्ट के साथ तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत